हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आरके इंफोटेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस महीने कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं और कौन सा स्मार्टफोन आपके हिसाब से ठीक रहेगा। वैसे तो हर ब्रांड के स्मार्टफोन कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते हैं, लेकिन इस महीने कुछ ज्यादा ही लॉन्चिंग्स हैं, यानी 7 से 8 स्मार्टफोन इस महीने लॉन्च होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हर स्मार्टफोन की कम्प्लीटली डिटेल देने वाला हूं, तो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। पहले बात करते हैं नोकिया के स्मार्टफोन की। वैसे तो ये 4 तारीख को लॉन्च हो चुका है, लेकिन इस लिस्ट में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस महीने लॉन्च हुआ है। नोकिया का 7.1 और 7.1 प्लस, ये 2 स्मार्टफोन नोकिया ने लॉन्च किए हैं। इसमें 6 इंच की फुल HD डिस्प्ले लगाई गई है। बैक पे 2 कैमरा है, एक है 12 मेगापिक्सल का, दूसरा है 5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। बैटरी की कैपेसिटी है 3150 mAh, और इसमें प्रोसेसर लगाया गया है स्नैपड्रैगन का 710, जो कि बहुत ही हैवी प्रोसेसर होता है और बजट रेंज के स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलता। और ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, इसे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं मार्केट से या ऑनलाइन। हमारी इस लिस्ट में दूसरा फोन है गूगल पिक्सल 3 XL। वैसे गूगल के 2 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, एक है गूगल पिक्सल 3 और दूसरा है गूगल पिक्सल 3 XL। ये स्मार्टफोन 9 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है और दोनों की स्पेसिफिकेशंस थोड़ी थोड़ी सी अलग हैं। गूगल पिक्सल 3 में आपको मिलेगी 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले और गूगल पिक्सल 3 XL में आपको 6.2 इंच की क्वाड HD डिस्प्ले मिलेगी। और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 12 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा मिलेगा। और इसमें बैटरी दोनों स्मार्टफोन में अलग अलग है। गूगल पिक्सल 3 में है 3300 mAh की बैटरी और गूगल पिक्सल 3 XL में है 3500 mAh की बैटरी, और दोनों में ही प्रोसेसर सेम है, जो कि अभी तक हर फ्लैगशिप स्मार्टफोन में ही देखने को मिला है। बजट रेंज में आपको ये भी देखने को नहीं मिला। अब इस लिस्ट में फोन आता है रेजर फोन 2। ये स्मार्टफोन 10 तारीख को लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगी 5.7 इंच की क्वाड HD प्लस, और इसके साथ आपको डुअल रियर कैमरा मिलेगा 12 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा है इसमें 8 मेगापिक्सल का। बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी इसमें आपको मिलेगी। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, लेकिन दोनों ही वेरिएंट में रैम 8 GB की मिलेगी, और स्टोरेज है एक में 128 GB का और दूसरे में है 256 GB का। और इसमें प्रोसेसर भी वही लगाया गया है जो हर फ्लैगशिप स्मार्टफोन में लगता है, स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर। खासकर अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं तो ये स्मार्टफोन आप परचेज कर सकते हैं। अब हमारी इस लिस्ट में आता है Redmi 6 Pro। ये स्मार्टफोन आपको 11 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। इसमें डिस्प्ले लगाई गई है 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस, और कैमरा है 12+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिससे आप कमाल की सेल्फीज ले सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन का 660 और बैटरी की कैपेसिटी है 3500 mAh। उसके बाद आता है Mate 20 Pro। ये आपको 16 तारीख को देखने को मिलेगा, और इस स्मार्टफोन में एक खास चीज है, ये स्मार्टफोन 5G है, यानी इंडिया में लॉन्च होने वाला पहला 5G स्मार्टफोन है Mate 20 Pro। इस स्मार्टफोन में आपको 6.9 इंच की क्वाड HD डिस्प्ले मिलेगी। उसके अलावा आपको इसमें 3 कैमरा देखने को मिलेंगे। बैक पैनल पे आप देखेंगे तो ट्रिपल कैमरा है, और कितने मेगापिक्सल का है ये अभी तक क्लियर नहीं है। बैटरी है इसमें 4000 mAh की और प्रोसेसर है इसका किरीन 980 प्रोसेसर। अब बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की, ये है OnePlus 6T, जो आने वाला है 17 अक्टूबर को। इसमें 6.4 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले लगाई गई है, जिसमें एक नॉच भी आपको मिलेगी, और इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलेगा। उसके अलावा इसमें 20 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप है, और 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इसमें मिलेगा, और स्टोरेज है इसमें 64 GB, 128 GB और 256 GB, और रैम है 6 GB और 8 GB। अब कौन सा वेरियंट आपको लेना ही आप खुद चूज कर सकते हैं। बैटरी है इसमें 3700 mAh की और प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 845। अब लास्ट में बात करते हैं इस महीने के आखिरी स्मार्टफोन की, जिसकी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन वो इसी महीने लॉन्च होने वाला है, Xiaomi का Mi 8 Lite। इसमें 6.25 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलेगी। इसमें भी 2 कैमरा आपको मिलेंगे, एक 12 मेगापिक्सल का और एक है 5 मेगापिक्सल का। फ्रंट पे आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और 3350 mAh की बैटरी मिलेगी, और इसमें भी आपको 64 GB, 128 GB और 256 GB के स्टोरेज मिलेंगे, और 4 GB और 6 GB रैम आपको मिलेगी। और इसके अलावा एक स्मार्टफोन और है जो 11 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है, उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, वो है Realme 2 का प्रो वर्जन। इसकी वीडियो आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। सो फाइनली गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।